बहुत बहुत स्वागत है माननीय राष्ट्रपति जी का और सभी गणमान्य अतिथियों का, बहुत बहुत स्वागत है माननीय राष्ट्रपति जी आपका आज के इस धन्य भूमि में। Honorable President of India, Shri Pranab Mukherjee, Shri Kaptan Singh Solanki, Governor Haryana, Shri Manohar Lal Ji, Mukhya Mantri Haryana, Shri Rajiv Pratap Rudi, MOS Independent Charge, Skill Development and Entrepreneurship, Bharat Sarkar, Shri Dharmendra Pradhan Ji, MOS Independent Charge, Petroleum and Natural Gas, Government of India, Rao Inderjeet Singh Ji, MOS Independent Charge, Planning, Urban Development, Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India, Shri Vipul Goyal Ji, Udyog Mantri, Haryana, Rao Narbir Singh Ji, PWD Minister, Haryana, Shri Tejpal Tanwar, MLA, Sohna, Mrs. Omita Paul, Secretary to President, Shri Bal Kishan Ji, Sarpanch Dola, Mr. Saraf, Chairman ONGC, Mr. Manish Kumar, CEO NSDC, Dola Alipur, Harchandpur, Taj Nagar, aur Roska Mev se yahan padhare huye, Buzurgo, Matao, Bhaiyo, aur Behno. Hum sab Haryana Vasiyon ke liye ये गौरव का क्षण है कि राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदेश के 100 गांवों को स्मार्ट ग्राम योजना के तहत विभिन्न विकास कार्यों के लिए चुना गया है। करीब पिछले एक वर्ष से इस क्षेत्र के 5 गांवों में अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और अब ये संख्या 5 से बढ़कर 100 होने जा रही है। आज महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हरियाणा आने पर स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ ऑनरेबल गवर्नर, मुख्यमंत्री जी एवं केंद्र सरकार से यहाँ आए हुए वरिष्ठ मंत्रीगण का भी मैं स्वागत करता हूँ। जहाँ भारत विश्व स्तर पर बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में अपना स्थान स्थापित कर रहा है, वहीं भारत के मानचित्र पर अग्रणी राज्य के रूप में हरियाणा ने अपना स्थान स्थापित किया है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने में हरियाणा सरकार भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। विशेष तौर पर कौशल विकास के क्षेत्र में हमारा पूरा प्रयास है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है उसको धरातल पर उतारा जाए। पिछले वर्ष प्रदेश में 70,000 युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया और इस वर्ष 1,33,000 का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों एवं स्वर्ण जयंती कौशल केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले समय में इस क्षेत्र के 100 गांवों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित करने का जो राष्ट्रपति जी का सपना है, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। मैं पुनः राष्ट्रपति जी का हरियाणा आने पर स्वागत करता हूं। जय हिंद। माननीय राष्ट्रपति जी, श्री कप्तान सिंह सोलंकी, श्री मनोहर लाल,
राव इंद्रजीत सिंह जी, श्री राजीव प्रताप रूडी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री विपुल गोयल जी, राव नरबीर सिंह जी, श्री दीपेंद्र सिंह ढेसी, श्री तेजपाल तंवर, स्मार्ट ग्राम में काम करने वाले सभी स्मार्ट ग्राम साथीगण, 100 स्मार्ट गांवों से आए हुए सरपंच, पंच और सभी गांववासियों, भाइयों और बहनों, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब राष्ट्रपति जी हरियाणा राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्रीगण और स्मार्ट ग्राम पहल में काम करने वाली संस्थाएं और भारी संख्या में गांववासी गांव के विकास की एक नई दिशा देने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। स्मार्ट ग्राम पहल के पीछे माननीय राष्ट्रपति जी की संकल्पना है कि हमारे गांव अच्छे शहरों से किसी भी मामले में पीछे ना रहें। हमारे गांव में वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हों जो किसी भी गांववासी के भौतिक और बौद्धिक विकास के लिए उपयुक्त हों। लगभग एक वर्ष पूर्व जब राष्ट्रपति जी ने स्मार्ट ग्राम पहल की शुरुआत 5 गांव से की, तब हमें आशा थी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विभिन्न संस्थाएं और गांववासियों की मदद से हम स्मार्ट ग्राम का एक ऐसा मॉडल विकसित करने में सफल होंगे जिसे आसानी से रेप्लिकेट किया जा सके। आज हमें ये देखकर खुशी है कि 5 गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार, बिजली और जल व्यवस्थापन इत्यादि क्षेत्रों में बहुत सारे कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। इन कार्यक्रमों को लागू करने के दौरान पिछले 10 महीनों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और अब हमें ये पक्का विश्वास हो गया है कि जब भागीदारी के साथ गांव के लोग विकास को अब विकास की ओर बढ़ते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है। 5 गांव में इस कार्यक्रम की अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए 1 मई को माननीय राष्ट्रपति जी ने इस पहल को 100 गांव तक ले जाने की अनुमति दी। मैं यहां माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, उनकी सरकार के विभिन्न विभाग, गुरुग्राम और मेवात के जिला प्रशासन का धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इन स्मार्ट ग्रामों में बड़ी तेज़ी से काम किया है और जिसका परिणाम हमें आज देखने को मिल रहा है। आज यहां 2 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। दौला निवासियों की बहुत पुरानी मांग थी कि उनके गांव में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को वहां से बदल करके एक मॉडर्न स्कूल बनाया जाए ताकि उस जगह का इस्तेमाल गांव के सभी वर्ग के लोग और कामों के लिए कर सकें। इसी तरह एक कौशल विकास केंद्र जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण केंद्र होगा, उसकी भी मांग दौला निवासियों की थी। इन दोनों मांगों को पूरा करने के लिए श्री राजीव प्रताप रूडी मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और चेयरमैन ONGC की मैं बहुत आभारी हूँ। जब हमारे गांव में शिक्षा और कौशल का विकास होगा तब हमारा गांव निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। शुरुआत के 5 गांव में काम करने के अनुभव के बाद हमारे साथ जुड़ी संस्थाओं ने 100 गांव में काम करने के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार कर ली हैं, जैसे शिवनादर फाउंडेशन, भारती फाउंडेशन और इम्प्रेशंस इंडिया फाउंडेशन नाम की संस्थाओं ने 100 गांव में सभी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए योजना बनाई है जिस पर आने वाले कुछ ही दिनों में अमल किया जाएगा। इसी तरह से इफ़को किसानों के साथ और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन भी इन 100 गांव में विशेष रूप से 10 केंद्र बनाकर अपना काम करेंगे। इन सभी गांव में
स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कोणार्क एनर्जी और हेवल्स इंडिया मिलकर 20 गांव में ग्रीन स्टोर्स की स्थापना करेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिले और इन गांव में सोलर ऊर्जा पर चलने वाले उपकरणों का प्रचार प्रसार हो सके। इन 100 गांव में युवाओं को प्रशिक्षण और स्वयं रोजगार दिलवाने के लिए हमारे स्मार्ट ग्राम भागीदार NSDC और निफ्टम हमारे साथ बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं। इनके माध्यम से युवाओं को, खासकर महिलाओं को, गांव में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह ई डॉक्टर क्लिनिक की स्थापना गांव दौला और रोजकामेर में की गई है, जिससे कम से कम दर पे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, उसी प्रकार के 15 और गांव में भी ई डॉक्टर क्लिनिक स्थापित किए जाएं। आज हमारा देश डिजिटल व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और इस प्रयास में हमारे गांव भी पीछे नहीं रहने चाहिए। इस उद्देश्य से सभी 100 गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। 5 गांव में ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, बाकी के गांव में जल्दी से जल्दी इनको खोला जाएगा। इस पहल में सबसे बड़ा योगदान जन प्रतिनिधियों और गांववासियों का है। सिर्फ उन्हीं की सक्रिय भागीदारी से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जब हम सब कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं तो अपनी मंजिल हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शक, भारत के यशस्वी राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी, हरियाणा के राज्यपाल माननीय कैप्टन सिंह सोलंकी जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, यहाँ के सांसद, भारत सरकार में मंत्री माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, जिस विभाग की अगुवाई से इस कार्यक्रम हो रहा है, भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के प्रमुख माननीय राजीव प्रताप रूडी जी, हरियाणा शासन के मंत्री मित्र विपुल गोयल जी, राव नरवीर सिंह जी, सोहना के स्थानीय विधायक मित्र तेजपाल तंवर जी, अमिता पॉल जी, मंच पे बैठे हुए सारे अधिकारी मित्र, दोला गांव के सम्माननीय नागरिकगण, गुड़गांव और हरियाणा के सारे प्रमुख नागरिकगण, मैं आभार प्रकट करता हूं महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी को। उन्होंने हरियाणा को गोद लिया जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार बनी, आपकी सरकार बनी, तब प्रधानमंत्री जी ने सारे वरिष्ठों को, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, सभी को ये निवेदन किया कि सब एक आदर्श ग्राम बनाए। हमारे लोक नेता, लोगों की राष्ट्रपति, जिन्होंने अपने नाम से खुद आग्रह करके, मेरे से भी एक दो बार गलती हो रहा था, हम बचपन से इस विषय की आदि हैं कि महामहिम कहने के लिए, लेकिन मित्रों इस देश में एक नया परंपरा VIP कल्चर को, सामान्य लोगों को अपने से जोड़ने के लिए, VIP कल्चर को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी लंबे समय तक इसी के लिए याद रहेंगे हम लोगों के बीच में। उन्होंने अपने से ये तथाकथित महामहिम पद को अलग किया और लोगों की राष्ट्रपति बने, और मैं ऐसे ही राष्ट्रपति कैसे पीछे रहते, और उन्होंने हरियाणा को गोद लिया, ये शहर ये खुशी की विषय है। आज आदरणीय अमिता जी ने जब कहा कि 5 गांव की सफल प्रयोग हमें 100 गांव को गोद लेने में प्रेरित करता है, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन को लोगों के लिए समर्पित किया, जिन्होंने अपने पूरा जिंदगी भारत के सामान्य लोगों की
जीवन मान कैसे आगे जाएं, उनकी रोजगार कैसे बढ़े, उनकी सम्मान कैसे बढ़े, इनकी स्वाभिमान कैसे बढ़े, जिन्होंने अपना जिंदगी खपाया है ऐसे महान नेता की स्वप्रेरणा से, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन से हरियाणा के 100 गांव स्मार्ट गांव में परिवर्तित होगी। मैं आप सभी को आभार प्रकट करता हूं कि आप इस मुहिम पे जोड़ें। हमें सौभाग्य मिला पेट्रोलियम विभाग को, विशेष करके ONGC को, कि माननीय राष्ट्रपति जी की जो एक दृष्टि रही, भारत की गांव की नौजवान आधुनिक खेती करें, आधुनिक रोजगार की सारे उपक्रम को जाने समझे, ऐसे ही दो महत्वपूर्ण प्रकल्प, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और एक एग्री बिजनेस ट्रेनिंग पॉइंट, जिनको ONGC लगभग 3 करोड़ रुपया जिम्मेवारी लेके आज इस काम को राष्ट्रपति जी के कर कमल पे इस समाज के लिए, इस गांव के लिए लोकार्पित करेंगे। मैं दो विषय और कहना चाहूँगा। हरियाणा शासन को मैं बधाई देना चाहूँगा, उन्होंने हरियाणा को स्मार्ट बनाने के लिए काम शुरू कर दिया है। किरोसिन ऑयल, मिट्टी की तेल की रहित हरियाणा बनाना, और भारत सरकार और हरियाणा सरकार दोनों मिलके 100% LPG कनेक्शन पहुंचाने के लिए जिम्मेवारी उठाई है। लगभग हमारी ये काम पूरा हो गया है, और मैं और एक बार जिम्मेवारी लेना चाहता हूं कि आज इस गांव की सभा में जो बच गए होंगे, हम कैसे भी आर्थिक प्रबंधन करके भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलके इस 100% LPG कनेक्शन के कार्यक्रम को पूरा करेंगे। और मैं बधाई देता हूँ हरियाणा सरकार को। मित्रों, मैं अंत में एक ही बात कहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने एक विषय अभी उल्लेख किया, जिसको राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में हम लोग दोनों नेताओं के मार्गदर्शन में हम देश में अमल कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा ये व्यवस्था लोगों के लिए समर्पित हो। जब 3 साल की हमारी सरकार की कार्यकाल अभी पूरा हुई, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि पहली बार देश में जनता आगे जा रही है, सरकार उसकी पीछे पीछे जा रही है, यह जन भागीदारी के बिना यह संभव नहीं होता। आज के उत्सव उस जन भागीदारी की, महान जन सचेतनता की एक मुहिम है। मैं आप सभी का आभारी हूँ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित होके आदरणीय राष्ट्रपति जी की, सम्मान्य राष्ट्रपति जी की कल्पना को गांव तक पहुँचाने के लिए। ये 100 गाँव आने वाले दिनों में भारत के अंदर आदर्श बने। हरियाणा सरकार, भारत सरकार और उनके अन्य कॉरपोरेशन मिलके इस उद्देश्य को, इस लक्ष्य को हम पूरा करने का विनम्र प्रयास करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार। भारत के राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी, हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल माननीय कप्तान सिंह जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे कैबिनेट के साथी श्री राव बीरेंद्र सिंह जी, देश में एक सबसे बड़ी योजना को लेकर के आए हमारे मित्र श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, राव नरसिंह साहब माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री विपुल जी, हमारे बीच उपस्थित आपके मुख्य सचिव दीपेंद्र सिंह जी, माननीय संयुक्त सचिव राजेश अग्रवाल जी, दिनेश श्राफ जी, तेजपाल सिंह तनवर जी, और इस कार्यक्रम को विशेष रूप से सजाने वाले और इस कार्यक्रम की अगुवाई करने वाले श्री अमिता पॉल जी, पंच सरपंचों, साथियों, पत्रकार मित्रों, इस दूरदराज इलाके में एक बड़ा आयोजन किया गया और इस आयोजन की जिम्मेवारी मेरे मंत्रालय को दी गई। ये मेरा सौभाग्य है कि भारत के राष्ट्रपति ने आपके गांव को स्मार्ट ग्राम के रूप में चुना और उस स्मार्ट ग्राम में कौशल की कई योजनाओं की शुरुआत करने का इन्होंने पहल की। इसका रूपरेखा पिछले कई माह से बनाया जा रहा था, लेकिन ये क्यों संभव हो पाया? आज हम आपके बीच में कैसे पहुंचे? माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन यहाँ कैसे हो पाया? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के इतिहास में पहली बार ये तय किया कि भारत की सरकार में एक नया मंत्रालय बनाया जाएगा और जिस मंत्रालय का नाम कौशल विकास होगा, जिसकी स्थापना आज से 2.5 वर्ष पहले हुई।
और उसी की अगुवाई में आज हम आपके बीच में आए। लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि भाई ये कौशल क्या है और ये कौशल मंत्रालय क्या है, और अभी तक बहुतों को समझाने में कठिनाई होती थी कि साहब ये कौशल क्या करेगा। कौशल तो हजारों वर्षों से है, लेकिन जब मुझे ये मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई तो सबसे पहले मैंने इसकी परिभाषा को स्थापित करने का प्रयास किया। और आज इस मंच पर हम बैठे हैं माननीय राष्ट्रपति जी, इस भव्य पंडाल में, इस भीषण गर्मी में, चारों तरफ से एयर कंडीशनिंग लगा हुआ है। इस मंच को जिसने सजाया है, इसे ठोक ठोक के जिसने बनाया है, जिस पर हम सब माननीय मंत्रीगण बैठे हैं और माननीय राष्ट्रपति जी बैठे हैं, इसका जो प्रसारण पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, और उस कैमरा के पीछे जो नौजवान खड़ा है वो कोई पीएचडी नहीं है, वो एक कौशल प्राप्त आदमी है। जिस माइक्रोफोन से मैं भाषण दे रहा हूं, इस लगाने वाले व्यक्ति कोई कलेक्टर और बड़ा अधिकारी नहीं है, एक कौशल प्राप्त व्यक्ति है। जिसने इस मंच के सामने फूलों का गुलदस्ता सजाया है, वो व्यक्ति कोई बहुत बड़ा पीएचडी होल्डर नहीं है, वो कौशल प्राप्त व्यक्ति है। और जो इसने बड़े एलसीडी लगाए हैं, अगर अभी एलसीडी स्क्रीन खराब हो जाए, आपके मुख्य सचिव और मैं मिलकर के प्रयास करता रहूं, 3 महीने भी लग जाएंगे, हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस मंच के पीछे बैठा हुआ बच्चा 15 मिनट में इसको ठीक कर देगा। वो है कौशल, जिसकी परिभाषा आज तक भारत में नहीं, जो आपके जीवन को सुंदर बनाता है, जो आपके जीवन को सरल बनाता है, जो आपके जीवन को कामयाब बनाता है। यहां तक कि माननीय राष्ट्रपति जी का गाड़ी लेकर जो यहां आया है, वो व्यक्ति कोई MBBS नहीं है, वो व्यक्ति भी कौशल प्राप्त है, जिसने कौशलतापूर्वक आपको यहां और आप सभी अधिकारियों को लेकर आया। और इसी क्रम में आज मैं देख रहा था कि हमारे मंत्रालय की तरफ से अमिता पॉल जी ने हमारे सहयोग से और मेरे माननीय मंत्री कामयाब मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलकर हमने बनाया, ये तीन से कौन सी ऐसी तीन चीज हैं जो हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं। और कई बार सुनने में लगता है कि ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा माननीय राष्ट्रपति जी, कल सुबह आप लोगों के बीच में से मुझे 3 लाख ड्राइवरों की जरूरत है, और ओला और ऊबर कंपनियां हमसे 3 लाख ड्राइवर मांग रहे। लेकिन ये ड्राइवर कैसे हो? ये ड्राइवर वैसे नहीं जो सामान्य रूप से हम देखते हैं, ये ड्राइवर तो वैसे हो जब दिल्ली के हवाई अड्डे से गुड़गांव का यात्री उतरता है, तो जब ओला गाड़ी के ड्राइवर बैठे तो उसे दरवाजा खोल के बैठा सके, बैठने के बाद नमस्कार कह सके, अगर अंग्रेजी जानता हो उसे तो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर कर सके, और अगर 20 रुपए के डिब्बे में टिश्यू पेपर है तो गर्मी के मौसम में उसे पेपर बढ़ा करके उसे उसके उसके पोछने का पसीना पोछना के लिए कागज बढ़ा सके। और जब वो आगे जाना चाहे, गुड़गांव का पता दे दे, सोहना का पता दे दे, तो अपने आईफोन में उस पता को GPS पर डाल करके उस मुसाफिर को जो हवाई जहाज से उतरा हुआ है उसके गांव तक, उसके घर तक पहुंचा जाए। हमें वैसा ड्राइवर की जरूरत है। और उतरते समय उसे अगर, आजकल जब से देश के प्रधानमंत्री ने कैशलेस शुरू किया है तो बहुतों के पॉकेट में पैसा नहीं होता है लेकिन क्रेडिट कार्ड होता है, और वो ड्राइवर ऐसा हो कहे कि नो वरी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं क्रेडिट कार्ड भी लेने के लिए तैयार हूं, और अपने हाथ में हैंड हेल्ड मशीन निकाल करके उसे स्वाइप करके और उसका 200 रुपया उस पर टिप भी मिल जाएगा। हमें ऐसे बच्चों की जरूरत है जिसकी ट्रेनिंग दे करके आज ओला और उबर के ड्राइवर अपने हिसाब से, अपने समय से ड्राइविंग करके अपने घर में 50 से 60 हजार रुपया बनाते हैं। वैसे बच्चों की तलाश है जो आपके गांव से हम तलाश करके इंस्टीट्यूट में ले जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं बिहार से आता हूं और दुनिया का सबसे पुराना ट्रक बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स पुराने झारखंड में था, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 22 साल से झारखंड और बिहार में एक भी हैवी व्हीकल लाइसेंस, ट्रक के लाइसेंस का ड्राइवर नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि आज तक कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं, जहां टाटा ट्रक बनता था वहां भी नहीं। आज हम लोगों ने तय किया है 60 लाख के आसपास गाड़ियां बनती हैं, जिसमें से 30 लाख के आसपास कमर्शियल होते हैं। आज हमने तय किया है कि देश में कंपैक्टर की ट्रेनिंग, ग्राइंडर की ट्रेनिंग,
डोजर की ट्रेनिंग, जेसीबी ऑपरेटर की ट्रेनिंग, बुलडोजर की ट्रेनिंग, एक्सकवेटर की ट्रेनिंग, आज वैसे बच्चों की हम तलाश कर रहे हैं जिन्हें 2 से 3 महीना का प्रशिक्षण देके सिर्फ भारत के भीतर ही नहीं पासपोर्ट दिला के दुनिया के किसी कोने में पहुंचा सके, जो लाख रुपया कमा करके अपने घर पहुंचा सके, इसकी योजना हम बना। हमने ऐसी कल्पना की है भारत में जिसका आज तक किसी ने चर्चा नहीं किया। यहाँ तक पुलिस महकमे में बहाल होने वाला ड्राइवर का भी कोई पहचान नहीं होता, और हम लोगों ने नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में कि जब तक इस प्रकार से प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं होगा वो पुलिस का या फौज का ड्राइवर न बन सके। भारत की सरकार इस दिशा में भी निर्णय लेने वाली। एक तो विषय ये था ड्राइवर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के एक साधारण परिभाषा, दूसरा विषय इन्होंने रखा है 3 स्थानों पर ITI खोला जा रहा है। और हरियाणा के लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, देश में पहले भी सरकारें चली हैं लेकिन हम लोगों ने भी देश में एक सरकार बनाई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई है। आज ITI, जो आप 3 ITI खोल रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा आज देश भर में पारंपरिक तौर से अगर ITI की पढ़ाई कहीं होता था, अगर टेक्निकल ट्रेनिंग की पढ़ाई होती थी तो ITI में होती थी, और आज 23 लाख बच्चे पूरे भारतवर्ष में ITI में पढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों ने कितनी बड़ी चूक की, ITI में किसका दाखिला होता है? 8वीं ड्रॉप आउट का दाखिला होता है, जो 8वीं के बाद 2 साल करके 10वीं तक पहुंच सके, लेकिन उसे 10वीं की मान्यता नहीं दी जाती थी क्योंकि वो उसे निकृष्ट समझा जाता था, ये किसी लायक नहीं समझा जाता था। और जो 10वीं पास करने के बाद इंटर में कहीं दाखिला नहीं करे उसे हम ITI में 10+2 कराते थे, लेकिन उसको 12वीं की मान्यता नहीं थी। यानी कि ITI में जाने वाला बच्चा वो होता था जिसके जीवन का कोई आगे पीछे नहीं है, वो नालायकियत की स्थिति में था। देश की सरकार ने तय किया है कि अब ITI में जाने वाले बच्चे 10वीं तक जाएंगे, 8वीं से 2 साल, उसे 10वीं के मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो 10वीं में जाएगा उसे 12वीं के सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि आगे की पढ़ाई वो कर सके। देश में ये पहली बार किया गया। हम लोगों ने नीतिगत ढंग से, और आपके बच्चे आपके राज्य में जो ITI में जाएंगे आज से 6 माह के भीतर उन्हें मैट्रिकुलेशन और +2 के इक्विवेलेंट दिया जाएगा ताकि वो BSc और MSc की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके। हम लोगों ने हर तरीके से किया है। और तीसरा, आप अभी इस मंच पर आप 5 बच्चों को डेटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट देंगे। ये क्या है? ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है? मैं उदाहरण देना चाहूँगा और इन बच्चियों को भी बताना चाहूँगा। हम गांव देहात से आते हैं, मैं बिहार से आता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी भी उड़ीसा के एक देहाती क्षेत्र से आते हैं। हम लोगों का संकल्प क्या है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कौशल के बारे में? गांव से एक छोटी सी लड़की निकलती है, सलवार कुर्ता पहन के शहर की तरफ आती है, 30 किलोमीटर बस से आती है और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में जाकर ब्यूटिशियन का कोर्स करती है, 2 महीने का ब्यूटिशियन का कोर्स करती है, भौहें बनाना, उंगली सजाना, मैनीक्योर, पेडिक्योर और पता नहीं क्या क्या होता है वो करती है। और जब वो गाँव की बेटी गाँव में लौट के जाती है और उसे हम 50,000 रुपया का लोन देते हैं, एक कुर्सी देते हैं, एक आईना देते हैं और रेजर देते हैं और वो कैंची देते हैं, जा करके वो अपने घर के बाहर तख्ते में लगाती है रश्मि ब्यूटी पार्लर। गांव की बहन उसको देखती है, सबसे पहले कुर्सी पर बैठा के अपनी माँ को सजाती है, पैर से बटन दबाती है, माँ पीछे झुक जाती है, फिर बटन दबाती है, माँ आगे चली जाती है, फिर उसके बालों को रंगती है। पड़ोस के लोग पूछते हैं कि तुम इतनी दादी इतनी सुंदर कैसे दिखने लगी, बताती है मेरी बेटी ब्यूटिशियन का कोर्स करके आई है। फिर अपनी बहन को सजाती है, फिर बगल में पड़ोस में अपने भाभी को सजाती है, और उसी तरह से उसका दुकान चल पड़ता है। और रश्मि ब्यूटी पार्लर में वो घर की बेटी जो कोर्स करने आई थी घर लौट करके 10 से 15 हजार रुपया अपने घर में कमाती है। और बिहार में जैसे हम कहते हैं कि शादी ब्याह लगन में वही बेटी अपने घर की बहन को सजाती है, गांव की बहन को सजाती है, तो एक शादी ब्याह और लगन में 40 से 50 हजार रुपया कमा लेती है। ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसकी भारत की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने शुरू की। हमारे पास सैकड़ों उदाहरण है, लेकिन अंतिम शब्द यही कहना चाहूँगा, माननीय राष्ट्रपति जी, आपने पिछले कार्यकाल में अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक विषय पर आपने बार बार कहा है और पूरे देश को कहा है और देश के प्रधानमंत्री के उस सपना को पूरा करने के लिए कि 12 साल की स्कूली शिक्षा जरूरी है, 10 साल की स्कूली शिक्षा जरूरी है, लेकिन 10 साल की स्कूली शिक्षा या 12 साल की स्कूली शिक्षा आपको रोजगार नहीं दिला सकता, लेकिन 10 साल की स्कूली शिक्षा के साथ अगर 10 हफ्ते की ट्रेनिंग हो जाए, 12 साल की स्कूली शिक्षा के साथ अगर 12 हफ्ते की ट्रेनिंग हो जाए, तो
रोजगार के दरवाजे तक आपको पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकता। यह है भारत की सरकार। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा, माननीय कप्तान सिंह जी को कहना चाहूंगा, मैं देश भर में दौरा करता हूं और कौशल को लेके, लेकिन एक प्रांत ऐसा है जिसने कौशल के क्षेत्र में सबसे कामयाब और सबसे अच्छे नंबरों से जो सबसे प्रांत आगे है, उस प्रांत का नाम है हरियाणा और उस प्रांत के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल जी। आपने बहुत अच्छा काम किया है और देश आपके इस अच्छे काम को देख रही है। आपके शासन के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपके साथ हैं। देश के इस प्रधानमंत्री के बड़े सपना को हमें पूरा करना है। आप सब इस भीषण गर्मी में, इस सुसज्जित पंडाल में, उस हाथ के कलाकारों में, कौशल प्राप्त व्यक्तियों ने जिसने आपका ये कार्यक्रम सफल बनाया है, आप सब लोग को फिर से एक बार बधाई देते हुए कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान कौशल का अभियान में हरियाणा की भी भागीदारी होगी। इन शब्दों के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय। माननीय राष्ट्रपति जी, जनाब प्रणब मुखर्जी साहब, माननीय गवर्नर साहब, जनाब कप्तान सिंह सोलंकी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान मनोहर लाल जी, मेरे साथ मोदी वजारत के अंदर साथी मंत्री सर्वश्री राजीव प्रताप रूड़ी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी, हरियाणा के आए हुए मंत्री श्रीमान विपुल गोयल जी और राव नरबीर सिंह जी, स्थानीय एमएलए साहब तेजपाल तंवर साहब, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट श्रीमती उमिता पॉल जी, मंचासी केंद्र सरकार के वरिष्ठ सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरीज, हरियाणा सरकार के ब्यूरोक्रेसी के सब प्रतिनिधि, इलाके की आई हुई सरदारी, दौला गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, उपस्थित माताओं बहनों, नौजवानों और दोस्तों, आज सबसे पहले तो मैं यूं कहना चाहूंगा कि भारत के आज़ाद इतिहास के अंदर अनेक बुद्धिजीव हमारे राष्ट्रपति बने हैं। उनकी श्रृंखला के अंदर आज के दिन जनाब प्रणब मुखर्जी साहब भी हैं और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि इनकी काबिलियत की और इनके काम करने की क्षमता को मैंने बड़ी करीबी से देखा है। मुझे इस बात का सौभाग्य है कि जब ये देश के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, इनके नीचे दो साल के लिए बतौर मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस मेरे को काम करने का सौभाग्य मिला और आज ये पांचवें वर्ष के अंदर राष्ट्रपति बने पीछे हमारे हरियाणा के अंदर पधारे हैं। और मुझे और राष्ट्रपतियों के और इनके बीच के अंदर अगर कुछ फर्क नजर आता है तो यही बात है कि संविधान के तो पहरेदार सभी राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जब मोदी वजारत के मंत्रियों को इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए ले जाया गया था तो शायद यही पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने हरेक मंत्री को कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी पकड़ाई कि तुमने इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आने वाले समय के अंदर कार्य करना है। और आज ही हमारे बीच के अंदर यहां पहुंच करके 100 गांव को गोद लेने का ऐलान किया है। श्रीमती उमिता पॉल ने इसका जिक्र कर दिया, मैं लंबे चौड़े तौर के ऊपर इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कोई राष्ट्रपति अगर बंगाल का रहने वाला हो
और हरियाणा के अंदर 100 गांव गोद लेने के लिए तैयार हो, हरियाणा सरकार को मना लिया जाए, स्किल डेवलपमेंट मंत्री राजीव प्रताप रूडी को मना लिया जाए, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मना लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि और राष्ट्रपतियों के अंदर और इन राष्ट्रपतियों के अंदर फर्क है। और ये हमारे लिए आज के दिन सौभाग्य का दिन है कि कहां तो प्रधानमंत्री ने एक एमएलए को 5 गांव 5 साल के लिए गोद लेने को कहा था, राष्ट्रपति की वजह से हमारे गुड़गांवा क्षेत्र को, मेरे हलके को, हरियाणा को 100 गांव गोद लेने का इनके माध्यम नसीब हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपका राष्ट्रपति जी, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर इसी तरह से नजरें इनायत और भी राष्ट्रपति हरियाणा के ऊपर देखेंगे, क्योंकि ये वो एरिया है जो दिल्ली के करीब करीब तो है, जहां गुर्बत भी बराबर की है, जहां समृद्ध गुड़गांव के अंदर लोग रहते हैं, लेकिन बगल के अंदर मेवात के अंदर सबसे गुर्बत वाला क्षेत्र हरियाणा का तो है ही, और मैं समझता हूँ कि शायद नॉर्दर्न इंडिया का सबसे करीब से देखा हुआ सबसे गुर्बत वाला जगह मेवात का ज़िला है। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मेरी बात तो आप रोज़ सुनते आते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐलान करके मैं बैठना चाहता हूँ कि क्योंकि ये 100 गांव राष्ट्रपति जी की वजह से हरियाणा सरकार ने, केंद्र के मंत्रियों ने और उनके विभागों ने गोद लेने का ऐलान किया है, जो हमारे यहाँ सबसे भारी समस्या है वो पीने के पानी की है, और इस चीज़ के लिए दौरा गांव वाले तो परेशान हैं ही, लेकिन इर्द गिर्द के जितने भी गांव हैं वो भी बराबर की परेशानी आज के दिन झेल रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार के माध्यम से रैनी वेल स्कीम के तहत 32 करोड़ रुपया पानी को यहाँ पहुँचाने के लिए मनोनीत किया गया है, और जिसके अंदर 23 गांव हैं, जैसे कि सरमथला, जोलाका, सतलाका, बिलाका, कुलियाका वगैरह वगैरह, और इसके अलावा कुल मिलाकर के अगर देखा जाए जहाँ पर आज के दिन हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, दौला के अंदर 1,28,00,000 रुपए की पानी की योजना पिछले ही दिनों के अंदर हरियाणा सरकार ने मंजूर करी है। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इस इलाके की प्यास बुझाने के लिए आप लोगों ने ये प्रयास किया। धन्यवाद और जय हिंद। परमादरणीय देश के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी, हरियाणा के आदरणीय राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी, माननीय केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री श्री विजय राजीव प्रताप रूढ़ी जी, माननीय केंद्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन राज्य मंत्री तथा गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी, मेरे साथी मंत्री राव नरवीर सिंह जी व श्री विपुल गोयल जी, सोना के विधायक श्री तेजपाल सिंह तंवर जी, राष्ट्रपति जी के सचिव श्रीमती ओमिता पाल जी, केंद्र व हरियाणा सरकार के अधिकारीगण, गुरुग्राम व नौ जिलों के चयनित 100 गांव के सरपंच व पंच महोदय, सभी ग्रामवासियों, भाइयों बहनों, पत्रकार व छायाकार मित्रों, सर्वप्रथम हरियाणा का यह स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, और इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर इसी वर्ष के दौरान आज के इस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी का हरियाणा आगमन पर मैं प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ धौला में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
के सहयोग से बनाए जा रहे ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तथा ONGC के द्वारा बनाए जा रहे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवनों के शिलान्यास के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित श्री राजीव प्रताप रूड़ी जी व श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आधुनिक व सशक्त भारत के निर्माण में हमारे गांव को विकसित होने की आवश्यकता ये हम सभी को विदित है। इस बारे में प्राय हर मंच से होती है बात, परंतु जिस लगन और दृढ़ता से राष्ट्रपति जी ने गांव को स्मार्ट बनाने के कार्य को हमारे यहाँ शुरू किया है, ये हम सब के लिए बहुत बहुत प्रेरणा का स्रोत है। मान्यवर, आपने 2 जुलाई 2016 को राष्ट्रपति भवन में हमारे 5 गांवों को स्मार्ट बनाने का प्रकल्प शुरू किया है। अभिभूत करने वाला वह दृश्य था जब राष्ट्रपति भवन के जिस सभा कक्ष में दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष व राजदूत तथा देश के बड़े बड़े नेता बैठ करके बड़ा बड़ा विचार चिंतन करते हैं, उसी सभा कक्ष में इस क्षेत्र के 5 गांवों के सरपंच बैठकर अपने अपने गांव को स्मार्ट बनाने की बात कर रहे हैं। वास्तव में यह अभिभूत करने वाला वो दृश्य था। लगभग 4 माह बाद 9 नवंबर 2016 को मैं उन 5 में से 4 गांवों में अलीपुर, दौला, हरचंदपुर और रोजका में गया। इतने छोटे से अंतराल में इन गांव में हुए विकास कार्यों को देखकर वास्तव में बहुत अचंभित था। आज तो ताजनगर समेत उन सभी गांवों का मानो कायाकल्प हो गया है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो रही हैं, गुणात्मक शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। आप यहीं न रुके, 9 मार्च 2016 को आपने गुरुग्राम और मेवाड़ के 100 और गांवों को स्मार्ट गांव बनाने का चयन किया। इसके लिए मैं आपको सभी ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, स्मार्ट गांव बनाने के आपके इस प्रयास में, इस प्रकल्प में KVIC, IFFCO, भारती फाउंडेशन, शिव नादर फाउंडेशन, मैक्स लाइफ फाउंडेशन, कोणार्क एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सप्रेशंस इंडिया जैसे कई अर्ध और गैर सरकारी संगठन भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं। मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे इस प्रदेश में, छोटे से प्रदेश में, हमारी अपनी एक पहचान है। भारत माता की सीमाओं की रक्षा करने में जान की बाजी लगाने वाले, धरती का सीना चीरकर भारतवासियों के लिए भरपूर अन्न उगाने में और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल जीतने में हमारे युवक और युवतियाँ ये कभी पीछे नहीं रहे। परंतु अब हमारी एक और विशिष्ट पहचान भी बनी है। आज हरियाणा देश का एकमात्र प्रदेश है जिसमें पंचों, सरपंचों, ब्लॉक समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों में से एक भी ऐसा नहीं जो अनपढ़ हो, अपराधी हो, बैंक का डिफॉल्टर हो या बिजली का बिल न भरा हुआ हो और जिसके घर में शौचालय न हो। पंचायती राज संस्थाओं में इस पंचसूत्री आयोजन के लिए हमारे इस नए ग्रामीण समाज में आधुनिक सोच का नया प्रगतिशील नेतृत्व उभरा है। अभी इसी वर्ष 1 अप्रैल 2017 से हम केरोसिन फ्री प्रदेश बन गए हैं। हमारे सभी ग्राम 3 सप्ताह में अर्थात 23 जून तक खुले में शौच से मुक्त यानी ODF हो जाएंगे। राज्य में 3000 से 10000 तक की आबादी वाले गांव के विकास के लिए चौधरी छोटराम जी के नाम पर दीन बंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना, जिसमें इस वर्ष 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये योजना शुरू की जा रही है। 10000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव के लिए हमने हरियाणा स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना लागू की है। इन महाग्रामों में शहरी क्षेत्र की भांति सीवरेज जैसी सुविधाएं ये प्रदान की जाएंगी। गांव में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 1527 गांव में ग्राम सचिवालय स्थापित किए जा चुके हैं। अटल सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं जिनको भारत नेट द्वारा ई कनेक्टिविटी दी जा रही है। हम हरियाणा में भावी पीढ़ी को शिक्षित,
चरित्रवान, स्वस्थ और कुशल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम प्राथमिक स्तर की शिक्षा से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने और शिक्षा को रोजगारमुखी बनाने में बल दे रहे हैं। हमने हर 20 किलोमीटर के दायरे में लड़कियों के लिए एक कॉलेज खोलने का ये प्रण लिया है। मेवात के साथ लगते जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई है और मैं समझता हूँ शायद ये विश्वविद्यालय देश में अपनी तरह का एक अद्वितीय विश्वविद्यालय होगा। हमने प्रदेश में शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और हर महीने 100 घंटे काम देने के लिए देश में पहली सक्षम योजना लागू की है। अभी कुछ ही क्षणों में आप ई प्रणाली से हरियाणा के उत्तर में अंबाला, दक्षिण पश्चिम में महेंद्रगढ़ तथा दक्षिण पूर्व में पलवल जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। इन केंद्रों से हमारे प्रदेश के युवा लाभान्वित होंगे। मान्यवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपकी स्मार्ट ग्राम पहल के अनुभवों से सीख लेकर सरकारी तथा गैर सरकारी पत्रियों से स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से अगले वर्ष 1000 गांवों को स्मार्ट बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आपके यहाँ पधारने की खुशी में मैं हरियाणा सरकार की ओर से एक और घोषणा ये करना चाहता हूँ। इस इलाके के 82 गांव, जो हमारा इसी विधानसभा क्षेत्र का तावड़ू कस्बा है जो मेवात जिले में है, इस तावड़ू उप तहसील को सब डिवीज़न बनाया जाएगा और इसे शीघ्र ही यहाँ SDM की नियुक्ति की जाएगी। आगामी स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को तावड़ू कस्बे में वहाँ के स्थानीय SDM द्वारा तिरंगा लहराया जाएगा। इन शब्दों के साथ आज माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ पधारे, उनके पधारने पर मैं पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। भारत सरकार के आदरणीय राष्ट्रपति महोदय श्री प्रणब मुखर्जी जी, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, भारत सरकार के तीनों मंत्रीगण क्रमशः राजीव प्रताप रूड़ी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, राव नरवीर सिंह जी, राष्ट्रपति महोदय की सचिव श्रीमती अमिता पॉल जी, हरियाणा राज्य के दोनों मंत्रीगण श्री विपुल गोयल जी, राव नरवीर सिंह जी, विधायक श्री तेजपाल कंवर जी, हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव श्री देसी जी, इस भव्य आयोजन के अवसर पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न ग्रामों से आए हुए सरपंच महानुभाव, प्रशासनिक अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं तथा इस अपार जन समूह में उपस्थित मेरे सभी भाइयों, बहनों, युवा साथियों, आज का ये आयोजन देखकर जिस तरह की प्रसन्नता मुझे हो रही है, उसी तरह की प्रसन्नता आप सबको भी हो रही होगी, क्योंकि पहला अवसर है जब देश के प्रथम नागरिक आदरणीय राष्ट्रपति महोदय देश का विकास कैसे होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए और किस तरह से विकास किया जा सकता है, इसके नमूना को प्रस्तुत करने के लिए आज हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं हरियाणा का गवर्नर होने के नाते मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री ने विकास के नाम पर पूरा देश गोद ले लिया,
लेकिन देश का विकास कैसे होगा, उसका मैप क्या होगा, उसका प्रोजेक्ट का ढांचा क्या होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी योजना भी तैयार की, लेकिन इसको जमीन पर उतारना, इसको क्रियान्वित करना, सबके सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश करना, ये किसी देश के राष्ट्रपति जी अगर कर रहे हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दूसरी बात ये कि इन्होंने इसके लिए हरियाणा राज्य को चुना, और इसलिए हरियाणा राज्य के हम सब निवासी होने के नाते बहुत प्रसन्न है और उनका स्वागत करते हैं। ये क्रम 5 गांव से प्रारंभ हुआ था, वो 100 गांव तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री जी ने अभी अगले वर्ष 1000 गांव की बात की है। राष्ट्रपति महोदय भी इसमें हमको पूरा सहयोग देंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा के अंदर समस्त 6000 गांव वो किसी भी शहर से, किसी भी स्मार्ट गांव से कम नहीं होंगे। ये जानकर हम सबको प्रसन्नता हो रही है। दूसरी बात, मैं आप सबके सामने एक और कहना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम हम देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कार्यक्रम किसी गांव में हो रहा है। ऐसा लगता है इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का अच्छा कार्यक्रम तो दिल्ली में भी नहीं हो पाता, और इसलिए आप सब ने जो इतना सहयोग किया है, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उसका मैं अभिनंदन करता हूं और प्रशंसा भी करता हूं। एक बात और, वास्तव में 21वीं शताब्दी के अंदर भारतवर्ष जैसा होना चाहिए, वैसे ही 21वीं शताब्दी प्रारंभ होने के साथ साथ भारतवर्ष उस दिशा की ओर बढ़ रहा है, और लग रहा है कि 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन जिस उद्देश्य से स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई थी और जो हम करना चाहते थे, उसका प्रारंभ अब देखने को मिल रहा है। महात्मा गांधी का एक सपना था, उनका अंत्योदय का सपना था, एक एक व्यक्ति को रोजगार और शिक्षा देने का सपना था, उनका सपना था कि गांव के प्रत्येक गरीब को ये लगना चाहिए कि देश मेरा है, देश मेरी चिंता कर रहा है, देश में सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, अस्पृश्यता नजर नहीं आनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, और महिलाओं को ये लगना चाहिए कि हमको पूरा का पूरा सम्मान दिया जा रहा है। वो सारी की सारी बातों को अगर ध्यान में हम लाएंगे तो हमको पता लगेगा कि जिस दिशा में देश अब जा रहा है, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गांव के माध्यम से, वास्तव में हम उस ओर बढ़ रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनकी जन्म शताब्दी देश मना रहा है, उनका भी अंत्योदय का सपना था। पंक्ति में आखिरी में जो व्यक्ति खड़ा है, उसके विकास की चिंता वो करते थे, और उनका एक ध्येय वाक्य था, जब तक हम अपने देश के अंदर समता, समरसता, कर्मठता, ज्ञानवत्ता, गुणवत्ता, सुख और शांति इसका प्रवाह नहीं ला पाते, तब तक हमारा तप पूरा नहीं होगा, और देश की स्वतंत्रता का मतलब ये है। जिस महापुरुष की 350वीं जयंती हम बना रहे हैं, 350वां प्रकाशोत्सव, दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, उनका भी सपना अगर हम याद करेंगे तो उनकी सपना देश की रक्षा तो था ही, लेकिन वो ग्रामीण लोगों के बीच में राष्ट्रीय भावना पैदा करके और देश का विकास करना चाहते थे, और इसलिए 1699 जब आनंदपुर साहिब में उन्होंने सभा की तो पूरे देश के ग्रामवासी वहां पर एकत्रित थे, और देश की रक्षा का जो उन्होंने संकल्प लिया और जो रास्ता दिखाया, उसी तरह का रास्ता आज देश में ग्रामीण लोगों का विकास और उनको साथ में लेकर के हमको पूरा करना है। ये तीनों महापुरुषों का जो सपना था, ये पूरा करने की योजना इस स्मार्ट गांव के माध्यम से संपन्न हो रही है। इस धौला गांव में रोजगार देने के लिए ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल, सबको शिक्षा देने के लिए एक हायर सेकेंडरी स्कूल, और सारी संस्थाओं का उसमें उपयोग करना, खासकर हमारा कौशल विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, अन्य अन्य कंपनियां, CSR, इनके सहयोग से
अगर हम समाज सेवा का काम करते हैं, लोगों के अभाव को दूर करने के लिए उनको काम देने की अगर चिंता करते हैं, तो जिस न्यू इंडिया की कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो न्यू इंडिया जरूर विकसित होगी। एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए और महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। और अब हम माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया चालक प्रशिक्षण संस्थान की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करें। रिमोट का बटन दबाकर मनीष कुमार सीईओ एनएसडीसी से अनुरोध है कि कृपया माननीय राष्ट्रपति जी का सहयोग करें। माननीय ये बाईं ओर स्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौला की शिलान्यास पट्टिका का भी अनावरण करें। चेयरमैन ओएनजीसी श्री दिनेश कुमार सर्राफ से निवेदन है कि माननीय राष्ट्रपति जी की सहायता करें। ओएनजीसी के तहत CSR के तहत लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से ये स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये स्कूल। और अब समझौता दस्तावेज एवं स्वीकृति पत्र एक नई इबारत लिखेंगे देश को आगे बढ़ाने के महामिशन में। आज माननीय राष्ट्रपति जी की ओजपूर्ण और गरिमामय उपस्थिति में MOU और स्वीकृति पत्रों का आदान प्रदान किया जाएगा। ग्राम पंचायत धौला और NSDC के बीच चालक प्रशिक्षण संस्थान के मद्देनज़र समझौता दस्तावेज का आदान प्रदान किया जा रहा है। NSDC की तरफ से श्री चैकांत सिंह हेड स्टेट इंगेजमेंट और सरपंच धौला श्री बालकिशन मौजूद हैं। ये MOU समझौता दस्तावेज एक्सचेंज किए जा रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में। इसके द्वारा युवाओं को चालक प्रशिक्षण में दक्ष किया जाएगा। ONGC और ग्राम पंचायत धौला के बीच वचनबद्धता पत्र और स्वीकृति पत्र का आदान प्रदान। ONGC की तरफ से CMD ONGC श्री दिनेश कुमार सर्राफ तथा सरपंच धौला श्री बालकिशन मौजूद हैं। ONGC ने स्कूल की स्थापना की वचनबद्धता जाहिर की और सरपंच धौला ने उसे स्वीकृत किया। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग और राष्ट्रपति भवन के बीच वचनबद्धता एवं स्वीकृति पत्र का आदान प्रदान। श्री विनय सक्सेना अध्यक्ष KVIC और श्री निरंजन कुमार सुधांशु डायरेक्टर राष्ट्रपति भवन ये आदान प्रदान कर रहे हैं। इसके तहत KVIC 100 ग्रामों को विकसित करने की वचनबद्धता जाहिर कर रहा है विभिन्न रोजगारों के द्वारा। REC के चेयरमैन डॉक्टर PV रमेश, डॉक्टर प्रवीण सक्सेना CEO ग्रीन जॉब सेक्टर स्किल काउंसिल को चेक प्रदान कर रहे हैं। इसके द्वारा स्मार्ट ग्राम के 5 गांव और उद्योग कुंज अलीपुर में सौर ऊर्जा से बिजली की उपलब्धता सार्वजनिक इमारतों को हासिल होगी। कमिटमेंट लेटर तथा स्वीकृति पत्र का कोणार्क एनर्जी सॉल्यूशंस तथा राष्ट्रपति भवन के बीच आदान प्रदान। श्री दिनेश गोयल CEO कोणार्क एनर्जी सॉल्यूशंस तथा राष्ट्रपति भवन से श्री निरंजन कुमार सुधांशु डायरेक्टर ये पत्र एक्सचेंज कर रहे हैं। इस समझौते के तहत स्मार्ट ग्राम के 20 ग्रामों में ग्रीन स्टोर्स बनाए जाएंगे। स्वच्छ ऊर्जा और रोजगार की एक महत्वपूर्ण पहल है ये। IFFCO और राष्ट्रपति भवन के बीच वचनबद्धता पत्र और स्वीकृति पत्र एक्सचेंज हो रहे हैं। श्री योगेंद्र कुमार सीनियर GM मार्केटिंग IFFCO तथा राष्ट्रपति भवन से श्री NK सुधांशु डायरेक्टर ये स्वीकृति पत्र एक्सचेंज कर रहे हैं। इसके तहत 100 गांवों में कृषि के उत्पादन बढ़ाने के अंतर्गत कई कार्यक्रमों को अमल में लाया जाएगा। और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि कृपया धौला के प्रगतिशील किसान श्री राजीव पिता श्री गिरेंद्र सिंह को कृषि किट प्रदान करें। कृपया श्री योगेंद्र कुमार सीनियर GM मार्केटिंग IFFCO भी इसमें शामिल हों। श्री राजीव, जिन्हें कृषि किट प्रदान किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति जी के आशीर्वाद से, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।
प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के मद्देनजर स्मार्ट ग्राम के अंतर्गत ऐसे प्रशिक्षु जिन्होंने एक अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की है, हम माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया इन प्रशिक्षुओं को अपने कर कमलों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करें। सबसे पहले मंच पर आमंत्रण है श्री अजय कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर। श्री नितिन डागर, अलीपुर सिक्योरिटी। श्री तरुण, अलीपुर सोलर। श्री महेश, अलीपुर सोलर। मिस आरती, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। मिस रेखा, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। मिस सोनिया, सिलाई मशीन ऑपरेटर। श्रीमती रेखा देवी, सिलाई मशीन ऑपरेटर। गवर्नमेंट स्कूल अलीपुर की कक्षा 11वीं के प्रशांत। कुमारी मौसम, क्लास 12, गवर्नमेंट स्कूल हरचंदपुर। बहुत बहुत बधाइयां, कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी आपका प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए और आशीर्वाद के लिए। अब हम माननीय राज्यपाल हरियाणा श्री कप्तान सिंह सोलंकी से अनुरोध करते हैं कि कृपया गवर्नमेंट स्कूल धौला के प्रधानाचार्य श्री सुदेश कुमार को प्रतीकात्मक पुस्तकालय किट, लाइब्रेरी किट प्रदान करें। मैं निवेदन करूंगी श्री संजीव दीक्षित से ही, जो वाइस प्रेसिडेंट है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कि आप भी पधारें। हम आपको बता दें कि ये किट मैक्स लाइफ फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है। प्रधानाचार्य श्री सुदेश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल हरियाणा। अब हमारा विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल से कि कृपया हरचंदपुर धौला तथा अलीपुर के विद्यालयों के 3 विद्यार्थियों को अपने कर कमलों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान करें जिन्होंने भारतीय फाउंडेशन द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में सराहनीय प्रशंसनीय प्रदर्शन किया। और मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी भारतीय फाउंडेशन से शालिनी सहाय से कि कृपया मंच पर पधारें और उन लोगों को आमंत्रित करूंगी जिन्हें ये प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। मिस अन्नु, कक्षा 11वीं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौला। मिस पूजा, क्लास 12, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलीपुर। मिस करमवती, क्लास 12, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरचंदपुर। आने वाले दिनों में भारती फाउंडेशन 100 ग्रामों में काम करेगा। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय आपका। आज के खास अवसर की स्मृतियां हमेशा के लिए हृदय में अंकित हो जाएं, इसीलिए हम माननीय राष्ट्रपति जी को आदर स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल तथा सरपंच धौला से बालकिशन से आग्रह करते हैं कि कृपया माननीय राष्ट्रपति जी को स्नेह स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से और सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं, बालकिशन धौला से सरपंच। और अब माननीय धौला ग्राम के 2 ग्रामवासी आपको पगड़ी भेंट करना चाहते हैं, आपका अभिनंदन पगड़ी से करना चाहते हैं। ये हैं संदीप और देवव्रत। आदर स्वरूप सम्मान स्वरूप माननीय राष्ट्रपति जी को पगड़ी पहनाते हुए अभिनंदन। रहने के माननीय राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, राजीव प्रताप रूडी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी,
हरियाणा के मंत्री नरबीर सिंह जी, विपुल गोयल जी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट श्रीमती अमिता पॉल जी, श्री दीपंकर सिंह दीपेंद्र सिंह धेसी जी, डॉक्टर के पी कृष्णन जी, तेजपाल तंबर जी, दिनेश कुमार शरफ जी, मनीष कुमार जी, श्री राजेश अग्रवाल जी, स्मार्ट ग्राम में काम करने वाली सभी ग्राम पार्टनर्स भी, 100 ग्राम से आए हुए सरपंच पंच और सभी गांव वासियों भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहां आकर और आप सब से मिलकर मैं बहुत खुश हूं। ये स्मार्ट ग्राम योजना की शुरुआत लगभग 1 साल पहले राष्ट्रपति भवन में हुई थी। उन्होंने केवल एक ही साल में एक लंबा सफर तय किया है। ये आपने आप में एक मिसाल है और हम सब के लिए गर्व का विषय है। मैं आप सभी के बीच आकर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हमारे गांव और गांव वासियों से भरपूर विकास करने की ना सिर्फ क्षमता है बल्कि ललक भी है। अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो बहुत दिन दूर नहीं होंगी जब युवाओं गांव छोड़कर शहर की तरह नहीं जाएगा। बेटियों की पढ़ाई गांव या गांव के पास ही पूरी हो सकती। अच्छी साथ सुविधाएं कम खर्चे पर सबको उपलब्ध होगा और युवाओं का प्रशिक्षण और रोजगार गांव के पास ही मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि जब हमारे गांव विकसित होंगे तो हमारी देश विकसित होगा। आज भी हमारे देश के लगभग 68% लोग गांव में रहते हैं। कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों का हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 15% है। अगर हमें गांव को खुशहाल बनाने हैं तो हम अपने आर्थिक ढांचे को सुधारना पड़ेगा और स्मार्ट ग्राम पहल ही शुरुआत 2 जुलाई 2016 से हुई थी। अब मुझे विश्वास था कि जो काम हम राष्ट्रपति भवन को स्मार्ट बनाने के लिए किए गए हैं वो हमारे गांव में भी किए जा सकते हैं। हरियाणा सरकार की मदद से हमारे 5 गांव का चयन किया और इस गांव का में विकास के बहुत सारे कामों की शुरुआत हुआ। इस कार्यक्रम भी सफलता देखते हुए अब इस कार्यक्रम को 100 गांव में बढ़ा दिया गया है। स्मार्ट ग्राम का हमारा मतलब एक ऐसा गांव जिसमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो और जहां खुशी और खुशहाली दोनों हो। ये तभी संभव है जब सरकार, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ
और गांववासी एकजुट होकर एक साथ मिलकर गांव के विकास के लिए काम करें। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्मार्ट ग्राम पहल को आगे बढ़ाने के लिए पूरी पूरी मदद की है और इन गांव में हो रहे कामों को देखने के लिए उन्होंने खुद गांव का दौरा करता है। बिजली, पानी, सड़क को व्यवस्था ठीक करने के लिए सराहनीय कदम उठाया है। आज यहाँ ड्राइवर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया। मैं कौशल विकास मंत्रालय के मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी, नौजवान मंत्री है, वो हमारे पास हाजिर भी है, कुछ देर पहले भाषण भी दिया। उन्होंने बहुत ध्यान से उनकी पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी सौंपे गया है वो निभाने के लिए कोशिश कर रहा है और बच्ची बढ़िया ढंग से कर रही है। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि उनकी मंत्रालय के अंतर्गत एनजीसी एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो हमारे ये गांव में एक सेकेंडरी स्कूल का शुरुआत कर रहा है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत कुछ काम हम कर सकते हैं। ONGC ने ये काम करके गांव में स्कूल शुरुआत करके इसके सूचना किया है, मैं इसलिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सभी अपने अपने क्षेत्रों से जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पानी, कृषि से पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, इस अभियान से काम कर रहे गुरुग्राम में तथा मेवात जिला प्रशासन सहित सभी गांव का भी मैं धन्यवाद देता हूं। भाइयों और बहन, आज हमारे देश के सामने बहुत बड़ा चुनौती है हमारे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। लगभग 10 लाख युवा हर साल नौकरी के तलाश शुरू करते हैं। नौकरी के अभाव में युवा गांव को छोड़कर शहर का तरफ जा रहा है। हमें गांव में ऐसी सुविधाओं देनी हो है जैसे बिजली, सड़क और कौशल, जिससे गांव में ही रोजगार के अवसर तैयार करें और गांव में ये अवसर तैयार होने का बाद गांव में रहने वाले युवाओं को शहर के तरफ जाना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा करने से गांव को आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और उससे सारा देश का भी फायदा मिलेगा। मैं और एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि हमें गांव के समृद्ध करना है तो हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को आगे बढ़ाना होगा, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का विशेष ध्यान देना होगा। ऐसा करने के लिए मैं सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि 100 गांव के लोग, जनप्रतिनिधि, भारत सरकार, हरियाणा सरकार, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर सब एक साथ मिलजुल कर यहाँ उपस्थित हुए हैं
और वादा किए है ये काम उन्होंने आगे बढ़ाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबका एक बार फिर बधाई देता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि स्मार्ट गांव पहल तो सफल करने से आपका भरपूर सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद।